मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मेरा फर्जन मोहम्मद समीर, 12 साल उम्र है इनकी। इनको जो है सो टाइफट हुआ था और टाइफट का पूरा ट्रीटमेंट जो है सो फ्री ट्रीटमेंट अपना HHF हेल्थ सेंटर में यहाँ पर हुआ। अभी इन्हों सेहतमंद हो गए, इनका ट्रीटमेंट पूरा कम्प्लीटली फ्री और सब चीज़ों से यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हुआ इनका और बहुत अच्छी तरीके से हुआ समझो। और सुबह शाम पूरे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर और इनका जो भी है हर चीज़ से बारीकी से पूरा जो है सो ट्रीटमेंट करें यहाँ पर। आज बच्चा जो है सो सेहतमंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनको होके एक 8-10 दिन की बात है जी। आपको कब और कैसा मालूम हुआ कि बच्चे को टाइफाइड हुआ क्या, और आप ये सेंटर के बारे में आपको कैसा मालूम, यहाँ पे ये सेंटर चलता है? ये पहले तो हम बाहर हम जो है सो डॉक्टर के पास बताए थे तो इनका बुखार कम नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि भाई यहाँ पे जो है सो पूरा फ्री से रहता और अच्छी सर्विस है यहाँ पे बोले तो यहाँ के बताए बाद में जो है सो इनको जब टेस्ट करे तो इनको जो है सो इनको टाइफाइड है बोल के मालूम हुआ। इसके बाद क्या है मालूम है, सुबह शाम जो इंजेक्शन ग्लूकोज लेना रहता तो बराबर जो है सो हमको कॉल करके भी बुलाए लोग और सुबह शाम आके हम जो है सो पूरा जो है सो इनका ट्रीटमेंट यहीं पर हुआ। साहब मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है, मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम ये हमारे शाहिद नगर क्लिनिक में जमा है। आज का ख़ास इम्पोर्टेंस आज का ये टॉपिक था कि गुज़िश्ता एक महीने में हमारे जो चार सेंटर्स है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, इन चार सेंटर्स से हमने तकरीबन 569 बच्चे जो 5 साल या 3 साल से 15 साल की उम्र के हैं इनको टाइफाइड और डेंगू का इलाज मुकम्मल तौर पर ये चार सेंटर्स से हुआ। कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट मिला बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की ना सिर्फ जान बची बट इनके जो अखराजात थे, जो एक्सपेंसेस थे, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। 550 केसेस में तकरीबन 50% केस ये एरिया जो शाहीन नगर का जो कैचमेंट है, सैफ कॉलोनी, उस्मान नगर, ये जो एरियाज है यहाँ से ये केस 51% ऑफ केसेस टाइफाइड के ये एरिया में पाए गए और तकरीबन 25% डेंगू केसेस भी ये एरिया में रिपोर्ट हुए। इसकी वजह ये थी कि ये एरिया में जैसा बरसात ये साल भी काफ़ी हुई, पानी जमा हो जाना और ड्रेन्स का ओवरफ्लो होना, कचरा जमा होना, इन सारे तमाम चीज़ों की तरफ से, सैनिटेशन मेंटेन नहीं होने की तरफ से ये दोनों डिजीज़ एंडेमिक प्रपोर्शंस में पाए गए। बाकी के जो सेंटर्स हैं हमारे हसन नगर के, राजेंद्र नगर, नवाब साहब कुंटा में, वहाँ भी टाइफाइड डेंगू रिपोर्ट हुआ मगर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं। तो ये बच्चों को ये क्लिनिक से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे लैब की कंप्लीट टीम स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर्स मुसलसिल एक महीने से अलर्ट में है और इनके बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विसेज दिए। इनके यहाँ टेस्ट हुए फ्री, इनको यहाँ मुकम्मल ट्रीटमेंट हुआ। आप जैसे जानते हैं टाइफाइड जिसे वाइटल फीवर बोलते हैं, वो उसमें IV इंजेक्शन देना पड़ता है, IV फ्लूड्स के थ्रू इंजेक्शन देना पड़ता है। तो अभी भी आज भी केसेस आ रहे हैं तो इनको कंप्लीट ट्रीटमेंट जो 7 दिन का होता है उनको यहाँ बुलाए, ये क्लिनिक में जो मस्जिद में इसका सेंटर है, ये क्लिनिक में एक IP फैसिलिटी क्रिएट करके, इन पेशेंट फैसिलिटी क्रिएट करके मुकम्मल ट्रीटमेंट इनको 7 दिन का दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एरियाज़ है इसमें जो लोग हैं काफ़ी गरीब तबके के, वीकर सेक्शंस के, इनमें अवेयरनेस लेवल नहीं थी तो बहुत सारा चैलेंज हुआ। इन पेशेंट्स को डायग्नोज हुए बस डेंगू हो गया, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस है, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, हम बता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ने हम घर में इलाज करा लेते हैं, हम ऐसा करते वैसा करते, तो उनको काउंसलिंग करके पकड़ के एम्बुलेंस बिठा के दवाखानों में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट करे। डेंगू के सारे केसेस दवाखानों में ट्रीट हुए इसलिए कि उसमें IP मैनेजमेंट ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ से नीलोफर और उस्मानिया में हुए, एक 15-20 बच्चों का ट्रीटमेंट हम डॉक्टर अल्ताफ नसीम साहब जो प्रोफेसर ऑफ पीडियाटिक्स है डेकन मेडिकल कॉलेज OVC हॉस्पिटल में, 15 से 16 बच्चे जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे उनको वहाँ ले आके हमने ट्रीटमेंट किया। तकरीबन हम 6 से 7 लाख रुपये बच्चों के ट्रीटमेंट में लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे 98% रिकवरी हुई। 1 या 2 डेंगू के डेथ्स हुए उस्मानिया में जो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में आए थे, उसका बड़ा अफसोस है हमारे को, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कम्प्लीटली रिकवर हुए। और आज जैसा देखे आपने देखा कि इन बच्चों को और उनके वालिद वालदैन को हम एक छोटी सी तकरीब रखे यहाँ, वी हैव कॉल्ड देम ओवर हियर टू फॉर अ स्मॉल सेलिब्रेशन। थैंक यू।
जी, मैं उज़्मा की वालदा बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची की कंडीशन थोड़ी सीरियस थी, उनको जो है हम लोग टेस्टा कराए यहाँ पर पहले, तो उनके टेस्टा कराने के बाद उनको प्लेटलेट जो है बहुत कम आ गए थे, जिसकी वजह से उन बहुत सीरियस हो गए, 17,000 आए। इसके बाद ये लोग जो है बहुत ही जल्दी हमको यहाँ से रिफ़र करे और वैसे हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर एडमिट करने में हमारी बहुत मदद करे, और उसके साथ ही जो है वहाँ पर हमारे को जो भी फाइनेंशियल कंडीशन ज़रा हमारे कम थे, इस वजह से वो लोग एडमिशन के टाइम पे वहाँ पर जो है डिपॉजिट कराए और बच्चे को फौरी इलाज शुरू करा दिए, जिसकी वजह से जो है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने में बहुत सहूलत हुई, और हमें जो है बिल की वजह से भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें बहुत मदद करे, और ये लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह इनको और ऐसे ही आगे काम करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों की ऐसी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। जी, आप कहाँ पे रहते हैं और आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके बारे में आपको कैसा मालूम था कि यहाँ पे क्लिनिक चलता है यहाँ पे? जी, मेरे पास जो है मेरे पड़ोसी में एक है, उन्होंने बोले मेरे को यहाँ पर कि जो है आप, हम लोग टेस्टों के लिए बहुत फिर रहे थे और ज़्यादा मतलब खर्चा बाहर का बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोले नहीं, यहाँ पर टेस्टा कराने से कम हो रहा पैसे, आप यहाँ पर जाओ बोले। तो मैं यहाँ पर शाहीन नगर अलैन कॉलोनी में रहती हूँ, तो वहाँ से फिर मैं यहाँ पर आई। आने के बाद टेस्ट करवाए, उस दिन ही जो है शाम में लोग बोले, दूसरे दिन रिपोर्ट आती बोले, मगर हमको शाम में ही फ़ोन करके फौरी बुला लिए कि आपकी बच्ची को जो है बहुत परेशानी है, ऐसा प्लेटलेट कम हो गए, बच्ची कभी भी कुछ भी हो सकता, फौरी ले लेके आओ बोले। तो हम लोग फौरी ले लेकर आए। अभी कैसी है बच्ची आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, अभी हमारी बच्ची की तबीयत बहुत अच्छी है। जी हाँ, ये मेरी लड़की है जी, 14 साल की है ये लड़की, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हो गई है, सेहतमंद है। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मेरी बच्ची को टाइफाइड और डेंगू हो गया था, ट्रिपिकल कंडीशन था। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन रखे थे हम लोग, उसके बाद बिल अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, वहाँ से हम डिस्चार्ज लेना चाह रहे थे, तभी हेल्पिंग हैंड वालों ने हमने हेल्प किया, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची क्या समय उठ के बैठी है, घर ला लिए डिस्चार्ज करा के। क्या एज है आपकी बच्ची की और आप लोग कहाँ रहते हैं? 13 साल है बच्ची की उम्र। हम गुलशन इकबाल कॉलोनी नसीब नगर में रहते हैं।